उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में तकरार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह में लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर प्रदेश से नदारद होने का तंज कसा था। इसी को लेकर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रीतम सिंह पर तंज कसा है। करण माहरा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश प्रभारी 3 बार उत्तराखंड दौरे पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि तीनों बैठकों में प्रीतम सिंह नहीं आए। करण माहरा ने प्रीतम सिंह के बयान को समझ से परे बताया है। राज्य का चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद प्रभारी जी 3 बार आए, तीनों बैठकों में उक्त नेताजी नहीं आए। दिल्ली में जिस दिन हरिद्वार चुनाव के टिकटों की अंतिम मोहर लग रही थी, उस दिन मैं स्वयं उनको अशोका होटल में निमंत्रण देने गया, वो नहीं आया। तो उनका ये बयान मेरे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि प्रभारी केवल टिकट वितरण और इत्यादि में कर सकता है, प्रचार में आने का आज तक कभी रहा नहीं। और जो लोग आरोप लगा रहे, वो जाने वो किस नियत से आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि प्रभारी हमारे प्रदेश का चुनाव हारने के बाद 3 बार प्रदेश में आ चुके हैं, दिल्ली बैठक लग चुके हैं, लेकिन इस तरीके का मुझे लगता नहीं। उनके इंस्ट्रक्शंस लगातार हमको मिलते रहे, काम करने के लिए जो तरीका उन्होंने बताया वो भी रह गया, और राज्य में अनेकों चीज़ें इस समय चल रही थी, चाहे वो SSC केस था, चाहे वो आबकारी घोटाला था, चाहे वो ये सचिवालय घोटाला था, सब चीज में तो प्रभारी जी ने हमको इंस्ट्रक्शन दिए। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि उन्होंने देश अध्यक्ष करण माहरा को लेकर कोई बात नहीं कही है। उन्होंने प्रदेश प्रभारी को लेकर यदि कोई बात कही है तो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष को परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत वेंडेटा किसी से नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जिन 2 लोगों को लक्सर और खानपुर से टिकट दिए गए थे वो कांग्रेस को छोड़कर के गए। लगातार लोग कांग्रेस को छोड़कर जाने का काम कर रहे हैं। हमारे सामने बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में UKSSC का प्रकरण आया, अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ, जो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न है, हमारे सामने बढ़ती हुई महंगाई है। तो इन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के हतोत्साहित कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की जिम्मेदारी किसकी है? जिनकी जिम्मेदारी है उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि प्रभारी को मुझसे जो है व्यक्तिगत दुराव हो सकता है, लेकिन कांग्रेस से दुराव नहीं होना चाहिए, वो प्रदेश के। वहीं कांग्रेस में चल रहे इस घमासान को लेकर भाजपा ने भी चुटकी ली है। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने कहा है कि जिस पार्टी का प्रदेश प्रभारी विवादों से घिरा रहेगा उस पार्टी के हालात राज्य में क्या होंगे इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इस पार्टी का प्रभारी ही अनेक आरोपों में घिरा हो, जमीन कब्जाने से लेकर दिल्ली के अंदर अपने रसूख का इस्तेमाल करके अनुसूचित जातियों की, गरीबों की, मजलूमों की जमीनें हत्याने का जिस पर आरोप है, एलिगेशन है, जिस स्टेट का प्रभारी ऐसा होगा उस स्टेट की कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही पहले से ही डिवाइडेड थी, अब तो पूरी तरह डिवाइडेड हो गई। जो इनके प्रभारी की गुड लिस्ट में नहीं है वो लगातार उसको उनके आरोपों और अपराधों के लिए घेर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है, हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष डेमोक्रेसी की डिमांड होती है, उससे जनता को लाभ होता है। लेकिन यहां कांग्रेस छितराई भी है, बिखराई भी है। हरीश रावत जी जो बोलते हैं ठीक उसके विपरीत यशपाल आर्य, करण मेहरा, प्रीतम सिंह जी का कोई ना कोई बयान आ जाता है, तो ये बड़ा दुखद है और ये स्टेट के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के लिए तो ये वो खुद ही जानते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी कांग्रेस के नेता सबक सीखने को तैयार नहीं है। पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। पार्टी में गुटबाजी का आलम ये है कि आम कार्यकर्ता भी वरिष्ठ नेताओं के इस तरह के बयानबाजी से असमंजस में नजर आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष टमोला की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।